बंदर काफी शरारती होते हैं, ये तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इन्हीं की ये प्रजातियाँ काफी खूंखार होती हैं, जिन्हें बबूंस और चिंपैंजीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि जंगल के सबसे ताकतवर जानवर, जिनसे कि बाकी जानवर खौफ खाते हैं, वो भी इनसे पंगा लेने का खामियाजा भुगतते हैं। खैर, बताने से अच्छा है कि सीधा इनके अटैक्स को देखा जाए। बबूंस की एक प्रजाति जिन्हें कि गैलेडा बबूंस के नाम से जाना जाता है, ये वाकई में होती तो सबसे खतरनाक है, लेकिन इन्हीं के परिवार के चकमा बबूंस भी जंगल में अपना किस तरह से दबदबा बनाए रखते हैं, वो आप इस क्लिप में देखिए। जरा इस क्लिप पर भी नजर डालिएगा, जहां ऊपर बैठे इस तेंदुए को देख एक और ये बबूंस बौखलाए हुए थे, तो यहां दूसरी ओर हाथियों का ये झुंड यहां पानी पीने चला आया हुआ था, जहां की बबूंस भी मौजूद थे। यहां पहले एक ही हाथी आता है और जब बबूंस कोई रिएक्शन नहीं देते तो बाकी के हाथी भी गुर्राकर इस इलाके को पहले खाली करवाते हैं, जबकि इधर ये लियोपर्ड अब भी पेड़ पर आराम फरमा रहा था और इसे यहां की कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे करके यहाँ और भी बबूंस इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और प्यास बुझाने के बाद ये इस नदी को पार करके उस पार से इस पार आते हैं, लेकिन यहाँ आने पर इनकी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ हाथी तो पहले से थे ही, लेकिन उनके साथ ही साथ गिद्ध भी यहाँ अधिक तादाद में आए हुए थे, जो कि उनके बच्चों का शिकार करने की कोशिश बार बार किए जा रहे थे। ये परेशानी कम नहीं थी कि एक और परेशानी उधर से नदी पार करके इस पार चली आ रही थी। हालांकि यहाँ ये इन जेब्रों के लिए आया हुआ था, जिसमें से एक जेब्रा भीड़ से भटक चुका था और शिकार करने के लिए इधर ये भी तैयार हो गया था, जिसमें इन बबूंस पर भी इसकी नजर पड़ने का डर बना हुआ था। इन पर इसकी नजर पड़ती तो है, पर इसी बीच इसके सामने से जब एक हाथी गुजरता है तो इसका मूड तो बदल जाता है। पर इधर ये बबूंस अब इस लियोपर्ड को लेकर काफी गुस्से में आ गए थे और इकट्ठा होकर इस पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, जो कि लगभग बन ही चुका था। पर जैसे ही ये हमला करने वाले होते हैं, एक बच्चा पेड़ से नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। अब इसके बाद इनके गुस्से का ऐसा तेवर दिखाई पड़ता है कि जो तेंदुआ यहाँ आराम से सो रहा था, वो अब अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल ऊपर पहुँच गया था। लेकिन बबूंस के लिए तो पेड़ उनका घर होता है, जिस वजह से ये बिल्कुल आसानी से इधर उधर चले जा रहे थे, पर तेंदुए के लिए यह बात डर की वजह बन चुकी थी। लेकिन यहाँ से अधिक डर तो तेंदुए को इस क्लिप के बबून देने जा रहे हैं, क्योंकि शेर यहाँ सोए हुए थे और यही मौका पाकर बबून और इम्पाला बाहर आए हुए थे। लेकिन यही जब बड़े बबूंस खाने में लगे हुए थे तो छोटे बबूंस बेखौफ होकर खेल रहे थे, क्योंकि इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ऊपर कोई इनके शिकार का इरादा लिए बैठा हुआ था और बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। ये तेंदुआ अपने इरादे में कामयाब हो जाता अगर ये बबून बाकियों को आवाज लगाकर अलर्ट न करता तो, क्योंकि इसके आवाज देते ही बाकी सभी जानवर अलर्ट हो जाते हैं और सभी को अलर्ट होता देख ये लियोपर्ड भी हमला करने के लिए जल्दबाजी में उठ खड़ा होता है, जिसके बाद ये सभी बबून्स और तेजी से भागते हैं और ये भी पेड़ से नीचे आता है, जिसके बाद देखना ये था कि ये बबून का शिकार करता या फिर इम्पाला का। यहाँ आकर ये नीचे दुबक कर बैठ जाता है, पर बबूंस अब भी इसे देख चिल्लाए जा रहे थे और कुछ बबूंस इसके पीछे भी आ चुके थे, जिसके बाद इसका यहाँ से डर कर भागना ही बेहतर होता है और इस बबून को भी लग जाती है। और जैसे ही ये चीता इस इम्पाला को लेकर यहाँ पहुँचता है, ये बबून भी यहाँ चला आता है, होश में आ जाता है। वैसे तो आप इसे अच्छे से पहचानते होंगे। जी हाँ, ये गोरिल्ला है, जिसे कि अधिकतर आप हॉलीवुड मूवीज में ही देखते होंगे। ये कितने ताकतवर हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि ये अपने बाजुओं से 900 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। लेकिन इनके अलावा एक प्रजाति यह भी होती है, जो कि इन्हीं के जितनी खतरनाक मानी जाती है, और ये कितने घातक हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस क्लिप से ही लगा लीजिए, जहाँ की ये दो चिंपांजीस बैठे ही थे कि तभी कुछ देर बाद इन्हें अपने आसपास के इलाके में तेज आवाज सुनाई देती है, और इसके कुछ ही देर बाद एक चिंपांजी इन सबको अलर्ट भी करने लगता है। तो फिर क्या, सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं और इलाके का जायजा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां आगे बढ़ने पर इन्हें पता चलता है कि इनके इलाके में दूसरे टेरिटरी के चिंपांजीज घुसपैठ कर चुके हैं। फिर क्या, अब होती है इनके बीच एक दमदार लड़ाई, जिसे देख यही लगता है कि जब ये अपने बिरादरी वालों को नहीं पहचाने तो ये बंदरों को कहां छोड़ने वाले। और वैसे भी बंदर कितने खुराफाती होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इस जंगल में चिंपांजीस निकले हुए हैं, वो चिंपांजीस जिनका डीएनए इंसानों से 98% मैच करने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी होते हैं। एक चिंपांजी इन्हें सिग्नल देता है, जिसके बाद ये भी शिकार पर निकल पड़ते हैं, और अब यहाँ क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता था। दरअसल आज यहाँ चिंपांजीस का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, जो कि आप इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे।
यहाँ ये बंदर इन चिंपांजीज के इलाके में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दिए थे, जिसका खामियाजा इन्हें इनमें से किसी एक को अपनी जान गंवाकर चुकाना था। ये चिंपांजी यहाँ अपना पेट भरता ही रहता है कि तभी इसकी नज़र ऊपर की ओर जाती है और इसे पता चल ही जाता है कि इसके इलाके में कोई और कदम रख दिया है और इसके फलों को खा रहा है। इन्हें देखते ही ये चिंपांजीज एक्शन में आ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए प्लान बनाकर इनका शिकार करते हैं, जिसमें दो चिंपांजीज बंदरों को घेरे हुए थे और तीसरा चिंपांजी पेड़ पर चढ़कर उन बंदरों की ओर बढ़ता है। पर बंदर भी इन्हें देख लेता है और सभी बंदरों को अलर्ट करते हुए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये चिंपांजीज सिर्फ कहने को ही यहाँ फेल हुए थे, क्योंकि भले ही रेड मंकी यहाँ बच क्यों न गए हो, पर अब यहाँ इनका टारगेट बनने के लिए ये मंकी पहुँच चुका था, जो इन्हें आता देख भागने की कोशिश तो बहुत करता है, पर आखिर में ये इन चिंपांजीज के हाथ लग ही जाता है, जिसके बाद इसका क्या असर होता है वो तो आप देख ही रहे होंगे। एक वीडियो तो इनकी यह भी है जिसमें आप इन्हें यहाँ से भाग रही एक गिलहरी को पकड़ते हुए देख रहे होंगे। पहले तो ये इस गिलहरी को पकड़ कर यहाँ लेकर आता है, जहाँ की अब तक गिलहरी जिंदा थी, पर उसके हरकत में आते ही ये उस पर हाथों से हमला करता हुआ उसे अपने मुँह में दबाकर मार डालता है। वैसे जब बात इनके अटैक की हो रही हो तो इनके इस फुटेज को कैसे भूला जा सकता है, जिसमें ये रकून की क्या दुर्दशा करते हैं वो आप खुद ही देखिए। ये सभी इनके एरिया में घुसाए एक रकून को पकड़ लिए हैं, पर हार मानने को नहीं रकून तैयार है और न ही ये चिंपांजीज। जिस बीच जब ये रकून भागने की कोशिश करता है तो एक चिंपांजी इसे किस तरह से हवा में उछाल फेंकता है उसे आप स्लो मोशन में देखिए। पर इसके बाद भी ये मरता नहीं और यहाँ लगे एक पाइप से भागने की कोशिश करता ही है कि यहाँ भी ये चिंपांजी इसे धर दबोचते हैं। वेल, एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।